हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। हियर आई एम विद यू द लास्ट चैप्टर प्रोबेबली ऑफ क्लास 10। और ये चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से। पूरी ये लास्ट यूनिट जो है, आपने अगर इसका लास्ट यूनिट का अगर आप लोगों ने ये हेडिंग देखा हो, इट इज रिलेटेड विद एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। मतलब हमारी जो रोज मर्रा की जो जिंदगी है, उसके में क्या चेंजेस आए, कल्चर में क्या चेंजेस आए, और उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स में कैसे हुआ, ये इस चैप्टर का जो आप हेडिंग है, जो आप जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। इस पे एक नॉवल चैप्टर भी है, बट वो आपको नहीं करना। तो मैं आप लोगों के साथ में ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखिए, प्रिंट के बगैर आप इमेजिन करिए कि प्रिंटेड मटेरियल कुछ भी नहीं है, तो लाइफ जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ऐसी लगेगी कि विदाउट प्रिंट क्या पॉसिबल है। सो इट इज दैट लाइफ जो है वो प्रिंट मटेरियल के बगैर कहाँ पॉसिबल है। तो प्रिंटेड मटेरियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ विदाउट प्रिंटेड मटेरियल, आज की लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते आज के टाइम में। थिएटर प्रोग्राम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर, सब जगह आप देखिए प्रिंट का कितना ज्यादा इसका इफेक्ट है। और इस चैप्टर में आप यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ओनली। सो वी लिटरेचर आप देखिए प्रिंटेड है, आपकी बुक्स प्रिंटेड हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट कि एक टाइम था जब ये प्रिंटिंग जो है ये नहीं पॉसिबल होती थी। देयर वॉज वन टाइम दैट ये प्रिंटिंग जो है इट वॉज नॉट पॉसिबल। वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट इट सेल्फ, इसकी भी एक हिस्ट्री है। और इसकी हिस्ट्री क्या है वो ही आप इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो इसकी हिस्ट्री के बारे में जो आपको पता चलेगा कि ये इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है। वी टेक फॉर ग्रांटेड दैट दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, ऑफन फॉरगेट कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक टाइम, मतलब आप देखिए पहले अगर आपको याद हो सिक्स क्लास का की हिस्ट्री, तो सिक्स क्लास की हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि पहले टाइम में, किसी जमाने में लोग इवन राइटिंग भी नहीं थी। प्रिंटिंग तो दूर की बात है, राइटिंग भी नहीं थी। तो राइटिंग नहीं थी तो लोग कैसे करते थे, केव पेंटिंग्स वगैरह में वो पेंट किया करते थे। केव पेंटिंग्स में पेंटिंग के थ्रू अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी जो बात है, वो उसके थ्रू कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस केव पेंटिंग थी, अगर इफ यू रिमेम्बर। और वो फेमस केव पेंटिंग क्या थी, वो फेमस केव पेंटिंग जो थी, इट वॉज अबाउट कि ये कुछ लोग भाग रहे हैं और उनके उनसे रिलेटेड वो केव पेंटिंग थी। तो वी टेक फॉर ग्रांटेड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट, भूल जाते हैं दैट देयर वाज अ टाइम कि जब प्रिंट कुछ भी नहीं था। क्या उसकी हिस्ट्री है, प्रिंट कैसे आया, प्रिंट लिटरेचर कैसे हुआ, ये सब आप इस चैप्टर में, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ, आप देखिए बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी ये चाइना में, जापान एंड कोरिया में। और ये कोइंसिडेंटली तीनों नेशंस आज इस समय, एट प्रेजेंट, मतलब मैं आज की डेट में बता रही हूँ, कोविड फैला हुआ है इसमें, वैसे ही जस्ट को रिलेट कर रही हूँ मैं, वैसे ही ये हिस्ट्री है ये। और ये उस समय जो सिस्टम था, इट वॉज हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था। बुक्स जो है चाइना में प्रिंट होती थी बाय रबर पेपर, और इन्वेंट होती थी अगेंस्ट द इंक्स सरफेट और सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। तो बोथ साइड जो थी वो बहुत पतली होती थी और पोरस शीट्स होती थी। पोरस शीट्स का मतलब है जिससे आप आर पार देख सको, पोरस शीट जो है वो हुआ करती थी। चाइनीज अकॉर्डन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड, कि बोथ साइड्स, ये देखिए चाइना में जो है ये स्टार्ट हुई थी ये। एंड एज बोथ साइड्स ऑफ थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डन बुक वॉज फोल्डेड, उसको ऐसे फोल्ड किया जाता था जैसे पेपर को फोल्ड किया जाता था, फिर उसको स्टिच किया जाता था, जैसे आप अपनी जो रफ कॉपीज हैं वो ऐसे स्टिच कर लेते हैं, पेजेस खाली होते हैं उनको, इट वॉज लाइक दैट। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप, वन मैक में आ सकता है ये कैलीग्राफी क्या होता है। तो ये जो है ये रिमार्केबल एक्यूरेसी से लिखे जाने को, बहुत खूबसूरती से, आपके
जब आप छोटे होंगे तो आपके स्कूल में भी कैलीग्राफी कंपटीशन होता होगा, तो एक्चुअली में ये हैंडराइटिंग कंपटीशन है। इंपीरियल स्टेट जो है चाइना में बहुत लंबे टाइम के लिए मेजर प्रोड्यूसर थी प्रिंटेड मटेरियल की। चाइना के पास ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब है जैसे आईए ऑफिसर्स रैंक के लोग थे, और वो रिक्रूट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू उनको रखा जाता था, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू और वो लोग बुक्स पढ़ते थे। वो टेक्स्ट बुक्स इस एग्जामिनेशन की पब्लिश होती थी, स्पॉन्सर होती थी। फ्रॉम द 16th सेंचुरी नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स जो है वो इंक्रीज हुआ, और इस तरीके से प्रिंट कल्चर जो है वो चाइना में स्टार्ट हुआ, जब नंबर ऑफ बुक्स जो है वो धीरे धीरे करके पब्लिश हुई। बाय 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर चाइना में बहुत ज्यादा ग्लोब हो गया था। यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाई हो गए थे। प्रिंट जो था वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल, पर मर्चेंट्स भी अपनी एवरीडे लाइफ की चीज को प्रिंट करते थे, ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, जैसे जर्नल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इस तरीके से ट्रेड इंफॉर्मेशन वॉज बीइंग कलेक्टेड, एंड वो रीडिंग धीरे धीरे करके बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। मतलब ऐसे ये स्लो डेवलपमेंट है, आप अपने इधर साइड में लिख लीजिए, दिस इज द स्लो डेवलपमेंट ऑफ प्ले। ये जो मैं हाईलाइट करती हूँ या मैं ये करती हूँ, ये आपको साइड में इसकी टॉपिक लिख लीजिए, दैट स्टार्टिंग ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी इन चाइना बाय 17th सेंचुरी, ये कैसे चाइना में स्टार्ट हुई ये उसके बारे में है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि विमेन को रीडिंग से उनको खासा उनको अवॉइड किया जाता था, जो लेडीज हैं उनके लिए रीडिंग जो है वो उनके लिए अवॉइड करी जाती थी, उनको अलाउड नहीं होती थी। रिच विमेन बिगेन टू रीड एंड मेनी विमेन बिगेन पब्लिशिंग अपनी पोएट्री प्लेज। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स वो अपने पब्लिश करती थी अपने वर्क, एंड कोर्टिजांस रोट अबाउट देयर लाइफ। कोर्टिजान मतलब जो दरबार में जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो उनके बारे में लिखते थे। इधर ये देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, रिच वुमेन, ऑर्डिनरी वुमेन वर नॉट अलाउड, और ना उनके पास में मटेरियल था ना इतना पैसा था कि वो पढ़ सके। ये जो न्यू रीडिंग कल्चर है इसका साथ दिया टेक्नोलॉजी ने, और वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स मैकेनिकल प्रेसेस इंपोर्ट करी गई, और वो लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर्स ने जब एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना, आउटपोस्ट मतलब उनके जैसे कहते हैं ना घर के बाहर आपके आउटपोस्ट चौकीदार वगैरह रहते हैं, या कॉलोनी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो ये लाइक दिस। और वेस्टर्न देखिए कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे करके एशिया में आ रही थी, जैसे इंडिया के ऊपर ये ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य बनाया था 9th में, आपने ये ट्रेड के टी ट्राइंगुलर ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा, तो चाइना के अंदर तो किसी ने नहीं वो किया था, पर वेस्टर्न पावर्स ने उसकी आउटपोस्ट को कंट्रोल कर लिया था, शिंघाई हब बन गया था। ये आप याद रखिएगा, शिंघाई जो था इट बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर, जहां पे केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूलिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग, एक धीरे धीरे करके ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ये कि हाउ फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, तो ये जो है वो अब स्टार्ट हो गया था, ये जस्ट स्टार्टिंग है ये प्रिंट इन जापान। अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज चाइना से उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी। ओल्डेस्ट जापानीज बुक वन मार्क में आ सकता है ये, इट वॉज डायमंड सूत्रा कंटेनिंग 6 शीट्स और ऑफ टेक्स एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस। द प्रिंटेड पिक्चर्स जो थी दे वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स पे प्रिंट होती थी। टेक्सटाइल मतलब कॉटन क्लॉथ, अ टाइप ऑफ टिपिकल क्लॉथ जिसपे वो पिक्चर्स प्रिंट होती थी। प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, मिडिवल जापान में पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वो पब्लिश करते थे अपनी बुक्स, और वो बहुत ज्यादा एबंडेंट होती थी वो उनकी बुक्स। मैं एक बार लास्ट टॉपिक आपको क्विक एक बार आपको रिव्यू कर दूं मैं आपको, सो दैट यू कैन इजीली, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले ये स्टार्ट जो हुई थी ये चाइना से हुई थी, चाइना, कोरिया एंड जापान, जहाँ आज इस समय कोविड बहुत ज्यादा फैल गया है। और ये मतलब प्रेजेंट मैं बता रही हूँ, कैलीग्राफी राइटिंग कॉम्पिटिशन को कहते हैं। इंपीरियल स्टेट जो है जापान में, चाइना में सॉरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम मेजर प्रोड्यूसर था प्रिंटेड मटेरियल का। अर्बन वहां पे क्योंकि वो सिविल क्यों मेजर कल्चर था, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम था ब्यूरोक्रेटिक,
और ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ने के लिए प्रिंटेड मटेरियल की जरूरत होती थी, उनके एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करी जाती थी। तो चाइना में सबसे पहले प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ। 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर चाइना में ब्लूम हुआ, और प्रिंट जो थी वो केवल ये नहीं था कि स्कॉलर्स ही यूज करते थे, मर्चेंट्स भी प्रिंटिंग यूज करने लगे, और इवन जो हाई क्लास, जो बहुत एलीट क्लास वेमेन थी, वो भी अपने बुक्स जो हैं अपने आप भी लिखने लगी। वो अपनी पोएट्री पब्लिश करती थी, ड्रामास, और उनके बारे में लोग जो है वो लिखा करते थे। तो इन अ वे न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी वेस्टर्न पावर्स ने एस्टैब्लिश करी आउटपोस्ट चाइना में, और इस तरीके से हैंड प्रिंटिंग से धीरे धीरे करके अब ग्रेजुअल एक स्टार्ट हो गया था, मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। प्रिंट इन जापान, अब देखिए ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो प्रिंट हुई थी, बुद्धे डायमंड सूत्रा कंटेन करती है 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशन। पिक्चर्स जो थी देवर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, और ये इन मिडिवल जापान पोएट्स एंड प्रोज जो थे वो रेगुलरली वो प्रिंट करते थे ये, एंड बुक्स जो थी वो देवर वेरी चीप और एबंडेंट। मतलब देखिए जो भी चीज, इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल है, जो अगर चीज अगर एबंडेंट होगी तो उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल, विजुअल मीन्स जो दिखाई देता है, एंड प्रिंटेड प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस इन द लेट 18th सेंचुरी इन फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल, जैसे जो आज प्रेजेंट टोक्यो है, हम वहां की बात कर रहे हैं, कि इलस्ट्रेशन जो हैं ये इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्ट करती हैं एन एलिगेंट अर्बन कल्चर, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आर्टिस्ट, कोटिजेंस, दरबार के लोग, टी हाउस गैदरिंग, मतलब चाय पे, जैसे होता है ना चाय पे चर्चा। तो लाइब्रेरीज जो हैं एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड, जिसमें हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, बुक्स ऑन वीमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब इतनी ज्यादा ये बुक्स हो गई थी, और दीज बुक्स दे वर वेरी मच इन नंबर, बहुत ज्यादा बुक्स हो गई थी ये। एंड नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट टॉपिक मैंने आज कंप्लीट कराया है, सेकेंड टॉपिक हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दूंगी मैं। और आप ये देखिए फिगर 3, ये ओके ओके प्रिंट बाय किटावा, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऐसा पेपर में आएगा, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। मॉर्निंग सीन है ये, टोक्यो प्रिंट बाय ये राइटर का नाम है ये, जिन्होंने इसको हैंड प्रिंट किया है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म।